इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर रैपिडो एप्लीकेशन के अंदर अगर आपकी लोकेशन सेट नहीं हो पाती है तो क्या क्या इशू रहते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए क्या प्रॉब्लम रहती है, मैं बता देता हूँ। देखिए लोकेशन ऐड करने के लिए जो पहली प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी लोकेशन ऐड नहीं हो पाती है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जो अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ से इसको अपडेट करके देख लेना है कि इसके अंदर आपको अपडेट तो नहीं आ रहा। अगर अपडेट आ रहा हो तो उसको अपडेट को कर लीजिएगा, ठीक। अगर अपडेट आ रहा हो तो करिएगा, अदरवाइज़ नहीं करिएगा। अगर आपका अपडेट नहीं आ रहा है और जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर बैक आइए यहाँ से और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे जाइए। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखती है ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है। ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको मैनेजर्स पर जाना है। मैनेजर्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगा थोड़ी सी नीचे ही, क्योंकि रिसेंटली हम यूज़ कर रहे थे उसको, तो ये ऊपर ही दिखाई देगा। बट यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई दे जाएगा, ऐसी बात नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ तो सर्च करने के बाद ये हमें दिख जाएगा। तो ये आगे जैसे इसको खोलते हैं तो यहाँ पर उसके बाद हमें फोर्स स्टॉप कर देना होगा, ऐप परमिशंस पे जाना होगा और जो लोकेशन की जो परमिशन है इसको चालू रखना है मैंडेट के 100%। और उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर भी चेक कर लेना है कि ये बंद तो नहीं है, अगर बंद है तो इन्हें चालू कर दीजिए। तो बस इतना ही करना है, फिर अपने मोबाइल को खोलिए और बंद करिए और खोलिए, फिर आप इस एप्लीकेशन को चलाएंगे तो लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपडेट ला रही हो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो आती रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर कोई आपके फ़ोन से इशू होगा तो वो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।